नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज एमडीएन में। दोस्तों बात करने वाले रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्वागत वापस से लगातार शेयर में जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है। पर दोस्तों आज मार्केट यहाँ पे क्लोज रहा है दोस्तों गुड फ्राइडे की वजह से, तो इस वजह से मार्केट में आज दोस्तों कल वाले फ्रोज से यहाँ पे रहने वाले आज मार्केट क्लोज रहा है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों जो कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों क्वार्टर फोर को लेकर, ये माने हैं दोस्तों आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको देखकर माने दोस्तों कंपनी डिविडेंड या बोनस के तौर पर कुछ यहाँ पे पे आउट करने के बारे में सोच रही है। तो उसके बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल एक टाइम देखा जाए तो दोस्तों शेयर की जो वर्तमान टाइम की जो प्राइस रहने वाली है वो 11 रुपये 20 पैसे पर रहने वाली है। कल दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों रिटर्न्स में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली, 3.70% के रिटर्न्स में ऑल टाइम देखने को मिली रिकवरी और 40 पैसे का जंप यहाँ पे नजर आया। पर उस बीच अगर पिछले 5 दिनों के ट्रेड की अगर बात की जाए तो उसमें अच्छा खासा फंडामेंटल में रिकवरी जोरों शोरों से देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 18.5% के आसपास की जो रिटर्न्स में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली और 1.35 रुपये का सॉरी 1.75 रुपये का सर्किट यहाँ पे देखने को मिला पिछले 5 दिनों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जो शेयर का जो जंप है वो यहाँ पे देखने को मिला, तेजी के साथ से रिकवरी यहाँ पे होता हुआ नजर आने वाला है। उस बीच कुछ शेयर होल्डर से गलतियां भी कुछ गलते करते हुए नजर आ रहे हैं कि सेलिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे शेयर में रिकवरी यहाँ पे तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे सेलिंग यहाँ पे करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो अभी के टाइम दोस्तों जिस प्रकार की रिकवरी तेजी के साथ यहाँ पे देखने को मिल रही है तो उस टाइम आप लोग को जो है होल्डिंग बनाने की कोशिश आप लोग को करनी चाहिए या फिर दोस्तों आप लोग को जो है वेट है आप लोग को क्वार्टर फोर का करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछले 1 महीने का जो फंडामेंटल उसमें ऑल टाइम की दोस्तों जो रिकवरी है ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो उसमें जो गिरावट देखने को मिलती थी वो यहाँ पे रिकवर हो चुकी है और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्राइस रहने वाले 11.70 रुपये वाली उसमें दोस्तों ओनली 50 पैसे की जो गिरावट है वो ओनली देखने को मिल रही है। तो उसमें फंडामेंटल में काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ शेयर रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो जो मैक्सिमम टाइम का जो डाटा देख रहे हैं की बात करिए या पिछले 5 शेयर की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। पर अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों पिछले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो दोस्तों उसमें जो ज़्यादा गिरावट आप लोग को देखने को नजर नहीं आने वाली क्योंकि दोस्तों ओनली जो है 4.40 रुपये का जो लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 28% के रिटर्न में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर इस प्रकार की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती है तो जल्दी शेयर की जो रिकवरी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और जो 25 रुपये वाली प्राइस की जो होल्डिंग आपके टाइम इस टाइम आप लोग के पास देखने को मिल रहा है उसमें भी रिकवरी अच्छी खासी बन जाएगी। पर फिलहाल टाइम दोस्तों अगर आप वेट करते हैं क्वार्टर फोर का गोल्डन फोर्स नोट यानी का तो उससे इसके लिए आप लोग को वेट यहाँ पे करना चाहिए। होल्डिंग जो अभी के पास आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है उसका आप लोग को इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का कि अपनी बारी सेलिंग किस टाइम आने वाली है तो उस चीज के लिए वेट आप लोगों को करना चाहिए। फिलहाल के टाइम दोस्तों बेसिक फंडामेंटल की और बेसिक जानकारी की ओर लेकर चलता हूं। उससे पहले बता दूं चैनल पर बार डिजिट किया तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा होल्ड पर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर बेसिक फंडामेंटल की अगर जानकारी की यहाँ पे बात आती है तो उसमें जो मार्केट कैप रहेगा बहुत अच्छा खासा सॉलिड यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को नजर आ रहा है। बड़े तेजी के साथ मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर उस बीच यहाँ पे रिटर्न्स की बात की जाए तो दोस्तों रिटर्न 5% का ऑल ओवर टाइम में देखने को मिलने वाला, पर रेवेन्यू थोड़ा सा दोस्तों 4.5% नेगेटिव में देखने को मिलने वाला है। तो इसमें अगर इस प्रकार की जो तेजी यहाँ पे शेयर में देखने को मिल रही है वर्तमान टाइम में तो सारा फंडामेंटल में रिकवरी बढ़ जाएगी। पर उस बीच यहाँ पे देखा जाए तो बुक वैल्यू अच्छी खासी यहाँ पे 31.20 रुपये की नजर आने वाली है और 11.20 रुपये के आसपास की वर्तमान टाइम की जो प्राइस यहाँ पे रहने वाली है। उस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपये की नजर आने वाली है। वर्तमान टाइम अगर कंपनी डिविडेंड या बोनस दोनों क्वार्टर फोर पहले अगर एक चीज को पे आउट कर देती है तो जल्दी दोस्तों कंपनी बड़े तेजी के साथ रिकवर होती हुई नजर आ जाएगी। उस बीच गिरावट की अगर वजह मानी जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो जो अच्छी खासी जो तेजी की वजह है वो तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो रहने वाली 0.36 गुना पर यहाँ पे बुक वैल्यू से ट्रेड करती हुई कंपनी नजर आ रही है। पर कंपनी की जो ब्याज एवरेज अनुपात है वो यहाँ पे कम देखने को मिल रही है और कंपनी की जो सेल है वो दोस्तों वो भी अच्छी खासी गिर चुकी है। तो इस वजह से कंपनी की जो बड़ी गिरावट है वो यहाँ पे मानी जा रही है और कंपनी के ऊपर जो कर्जे का जो दिन है वो यहाँ पे जो कर्जदार के जो दिन है दोस्तों 156 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। पर इस प्रकार के दोस्तों सर्किट यहाँ पे देखने को मिलती है अच्छा खासा फंडामेंटल में रिकवर होता है दोस्तों कर्जदार के जो दिन है वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। पर अगर बात की जाए दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट की तो क्वार्टर 3 की अगर बात की जाए तो कंपनी को दोस्तों लॉस यहाँ पे देखने को मिला था 245 करोड़ का। तो इसका खासा लॉस होने के बावजूद भी दोस्तों शेयर में अगर इस प्रकार की तेजी देखने को मिलती है क्वार्टर 4 में दोस्तों ये जो लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। पर उस वजह से क्वार्टर 3 के जो सेल देखने को मिल रही वाली है वो दोस्तों उसमें रिकवरी अच्छी खासी देखने के बजाय थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिलने वाली क्वार्टर 1 के बजाय। क्वार्टर 1 में देखा जाए 2063 करोड़ की जो सेल थी वह यहाँ पे नजर आई थी, पर यहाँ पे क्वार्टर 2 में दोस्तों वापस से शेयर में सॉरी सेल में गिरावट देखने को मिली और क्वार्टर 3 में थोड़ी सी रिकवर वापस से होती हुई नजर आई। वर्तमान टाइम में देखा जाए तो कंपनी को दोस्तों 1311 करोड़ का जो है यहाँ पे नेट जो है कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से थोड़े से दोस्तों जो कंपनी जो नया है वह यहाँ पे डगमगाती हुई नजर आ सकती है।
पर कंपनी का जो बाकी और ऑल ओवर जो फंडामेंटल है वो अगर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। कंपनी जो सेल की जो ग्रोथ है उसमें वापस से रिकवरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आने वाला। बाकी अपना जो भी नजरिए हो दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आएगी, पसंद आती वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।